we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that day till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की कड़ी में आज से राजधानी लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स की 3 दिवसीय महाकुंभ में नया इतिहास लिखा जाएगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके साथ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुसरण की सुविधा दे रहा है। इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, टाटा सन्स के चंद्रशेखरन और महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा जैसी हस्तियां इन्वेस्टर्स को लीड करती नजर आएंगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 40 देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। विदेशों से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। वहीं भारत के विभिन्न हिस्सों से छोटे बड़े 10,000 इन्वेस्टर्स इस महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। इस सबके बीच एक कारोबारी के शामिल होने या ना होने को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। उनका नाम है गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अडानी लगातार परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में वो समिट में शिरकत करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी समिट का हिस्सा नहीं बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने 2018 में आयोजित समिट में उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार भी उनका समिट में शामिल होना तय माना जा रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते सब कुछ बदल गया, लिहाजा वो समिट में शामिल नहीं हुए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गौतम अडानी और अडानी समूह अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग की तैयारी में जुट गया है। अब आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।